हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने पैसेज के बारे में देखा था कि पैसेज क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कर्सिव पैसेज के बारे में देखेंगे, जो कि पैसेज का सेकेंड काइंड था। तो डिस्कर्सिव पैसेज क्या होता है वो मैं फिर से बता देती हूँ। डिस्कर्सिव पैसेज में ना हम किसी बात के आर्गुमेंट पे जाते हैं, या कोई ऐसी बात होती है जो करंट में चल रही होती है उसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है, लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक। तो आर्गुमेंट मतलब एक तरह से बहस टाइप का होता है। तो इस हम लोग जो पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आज जंतुओं का प्रे का क्या हो रहा है, उनका उनको मतलब क्या किया जा रहा है, उनको किस तरीके उनके शिकार किया जा रहा है। ओवर पावरिंग प्रे मतलब शिकार करना, ठीक है। तो इसमें हम इस चैप्टर में शिकार के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे स्नेक है और कुछ अलग अलग टाइप के जो जंतु हैं वो कैसे अपना शिकार करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में बताया गया है कि जो ओवर पावरिंग प्रे इज़ द चैलेंज ऑफ क्रिएचर दैट डू नॉट हैव लिम्स, मतलब कि ओवर पावरिंग प्रे कि अंधाधुंध जो शिकार किया जा रहा है वो उसका कोई अंत अब नहीं हो रहा है, ठीक है। सम स्पेसिफिक लाइक मतलब कुछ यहाँ पे स्नैक के बारे में बताया गया है। रूसल्स वाइपर इंजेक्ट पॉइजन, यहाँ पे एक स्नैक के बारे में बताया गया है जो कि इसका नाम रसल्स वाइपर है। ये क्या करता है, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा जहरीला सांप होता है, ठीक है। ये अगर टच भी करता है तो भी ये पॉइजन ही हमारे शरीर में फैलाता है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि कुछ रेड स्नैक्स ऐसे, और बताया गया कि कुछ रेड स्नैक्स ऐसे होते हैं जो अपने मतलब प्रे को मतलब अपने शिकारी को जैसे कि मान लीजिए एक वो है सांप है, उसे पकड़ना है अपने किसी प्रे को कि ना, तो कैच एंड पुश द प्रे अगेंस्ट द ग्राउंड। तो वो क्या करते हैं, उसको पकड़ के ग्राउंड पर जमीन की तरफ उसको पटकते हैं या खींचते हैं, ठीक है। और वाइल्ड पाइथन्स यूज द, यहाँ क्या है, पाइथन्स क्या करते हैं, पाइथन्स जो होते हैं एनिमल जो होता है वो अपने मसल पावर का यूज़ करता है टू क्रश देयर प्रे टू डेथ, अपने प्रे को मतलब कि ऐसे जंतु को जो उसको वो शिकार बनाने वाला रहता है उसको जमीन पटक, उसको क्या करता है, अपने मसल्स पावर का यूज़ करके उसको मारता है। बट स्नैक कैन नॉट बी नीटली डिवाइडेड इंटू पॉइजनस और नॉन पॉइजनस कैटेगरीज। देखिए, जो स्नैक होते हैं इन्हें पॉइजनस कहा ही जाता है, ठीक है, ये बहुत जहरीले होते हैं। अगर कुछ ऐसे भी स्नैक हैं जो पॉइजन नहीं, जिनके काटने पॉइजन नहीं होता है, लोगों की जान बच जाती है, कम पॉइजनस होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा हुआ है कि स्नैक ऐसी मतलब जंतु ऐसी मतलब ऐसी होती है स्नैक कि हम इनको नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ कहने का मतलब ये है कि कैसे भी हों स्नैक अगर नॉन पॉइजनस भी हों तो भी उनके काटने पर उनके साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं, उनमें कहीं ना कहीं पॉइजन होता ही है, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पे देखिए, इवन मैं पेंसिल ले लेती हूँ, इवन स्पेसिस एज ए नॉन पॉइजनस आर नॉट कम्प्लीटली फ्री, मतलब ऐसे जो स्नैक होते हैं जो पॉइजन से कहा जाता है कि इनमें पॉइजन नहीं होता है इस सांप में, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि उसमें पूरी तरीके से नहीं होता। और जो कॉमन सैंड बो है फॉर इंस्टेंस प्रोड्यूस सिक्रेशन पार्टिकुलरली पॉइजन टू बर्ड्स, एक कॉमन सैंड बो स्नैक होता है, वो क्या करता है, वो सिक्रेटली क्या करता है, पॉइजन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, किसको, बर्ड्स को मारने के लिए, ठीक है। सो द स्पेसिफिक डज नॉट टेक एनी चांस टू क्रश इट्स प्रे इंजेक्ट पॉइजन एज एन एक्स्ट्रा स्ट्रिप। इसलिए जैसे देखिए ये सब कब करते हैं, जैसे मान लीजिए अचानक से उसके सामने उसका प्रे आ जाए, प्रे मतलब शिकार करना, जिस एनिमल का या जिस बर्ड का जिसका उसको शिकार करना अचानक उसके सामने आ जाए, तो उसको पकड़ने के लिए उसको मारने के लिए क्या करते हैं, क्रश करते हैं अपने प्रे को, कस के दबाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनमें शरीर उनके शरीर में पॉइजन लगाते हैं, मतलब कि जो अपने आगे के जो हिस्से होते हैं जो उनका टंग टाइप का होता है स्नैक का, वो उनके शरीर में लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके शरीर में पॉइजन फैल जाता है, वो मर जाते हैं और फिर उसको वो खा लेते हैं, ठीक है। डू वाइपर्स नीड पॉइजन पावरफुल एनफ टू किल हंड्रेड ऑफ रेड्स विद जस्ट वन ड्रॉप, यहाँ पे लिखा हुआ है जो वाइपर्स के बारे में भी स्नैक के बारे में बता रहे थे, क्या उन्हें हज़ारों चूहों को मारने के लिए बहुत ज़्यादा पॉइजन की जरूरत पड़ती है, आफ्टर दे ईट ओनली वन और टू एट अ टाइम। देखिए कुछ स्नैक्स होते हैं जो एक बार में बहुत सारे चूहों को या कहीं चूहों को या जो भी अपने प्रे को मारते हैं, लेकिन मारते तो एक साथ बहुत से लोगों को हैं, लेकिन वो खाते हैं एक बार में एक या दो को ही, ठीक है। उसके बाद देखिए, वाइल्ड हंटिंग एनिमल्स ट्राई देयर वर्स्ट टू किल मोस्ट एफिशिएंटली दे प्रे यूज एनी ट्रिक, और क्या कि ऐसे जो स्नैक्स हैं वो हंटिंग के समय मतलब अपने
जो सबसे ज्यादा बुरा तरीका हो सकता है प्रे को मारने के लिए उसका वो यूज करते हैं। और देयर प्रे यूज एनी ट्रिक टू अवॉइड बिकमिंग अ मेल सच एज डेवलपिंग इम्यूनिटी टू पॉइजन। और कुछ प्रे ऐसे होते हैं, मतलब कुछ इनके जो इसको ये पकड़ने के लिए जाते हैं सांप, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसे ऐसे ट्रिक का यूज़ करते हैं अपने आप को सांप के मील बनने से बचाने के लिए, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग ट्रिक का यूज़ करते हैं, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो रैट हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कैलिफोर्निया ग्राउंड स्क्वायर्स आर रेसिस्टेंस टू नदर्न पैसिफिक रैटल स्नेक पॉइजन। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कैलिफोर्निया के ग्राउंड पर जो स्क्वायरल होते हैं वो रेटल स्नैक, एक जो पॉइजनल स्नैक होता है रेटल स्नैक, ठीक है, जब वो इनके पकड़ में आ जाते हैं, कैलिफोर्निया के जो ग्राउंड के स्क्वायरल होते हैं वो जब रेटल स्नैक के पॉइजन या रेटल स्नैक के मतलब पकड़ में आ जाते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग ट्रिक का यूज़ करते हैं। इनमें इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ लिखा है, लिखिए, कंपटीशन विद प्रे इज़ नॉट द ओनली थिंग। जो कंपटीशन होता है सांप का अपने प्रे को पकड़ने के लिए, दूसरे किसी भी चीज़ों को, जानवर को, जंतु को पकड़ने के लिए, वो इजी नहीं होता है, वो इजी टास्क नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि उनको अपने आप को अपने प्रे से ही बचाना होता है, जैसे मैंने बताया रेटल स्नैक को आप किससे बचाना होता है, स्क्वायरल से, क्योंकि स्क्वायरल्स भी काफ़ी ट्रिक का यूज़ करते हैं, इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मतलब जो एनिमल शिकार करने वाला रहता है, जैसे मैंने सांप का शिकार करना है उसको, ठीक है, स्क्वायरल्स का, तो उन्हें स्क्वायरल्स को हराने के लिए भी बहुत सारे पावर का, बहुत सारे पॉइजन का यूज़ करना पड़ता है। स्नैक्स ऑल्सो स्ट्रगल टू अवॉइड बिकमिंग प्रे देमसेल्फ। और जो स्नैक्स होते हैं, मतलब सांप जो होते हैं, उन्हें अपने आप को बचाना पड़ता है। किससे किससे बताना बचाना पड़ता है, जिसका वो शिकार करने वाले रहते हैं उससे। जैसे कि आप गिद्ध जानते हैं ना, वल्चर, तो वल्चर जो है वो मरे हुए जंतुओं, जीव जंतुओं को खाता है। तो अगर वो, जब मान लीजिए दोनों का अगर संपर्क होता है, तो अगर स्नैक इसको पकड़ने की कोशिश करेगा गिद्ध को, वल्चर को, तो स्नैक भी वल्चर को, स्नैक भी अपने आप को वल्चर से बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है, बहुत मेहनत करेगा। उसके बाद यहाँ पे है कि ये देखिए, सम स्नैक किलर्स हैव पास इम्यूनिटी टू पॉइजन, ठीक है। और फेमसली मंगूज आर हाई रेसिस्टेंस टू कोबरा पॉइजन। यहाँ पे दे रहा है कि कुछ जो स्नैक होते हैं उनमें पॉइजन कम होता है, ठीक है, बस इतना ही होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। मंगूज आपने सुना होगा नेवला के बारे में, जो मंगूज होता है उनके पास काफ़ी हाई रेसिस्टेंस होते हैं, रेसिस्टेंट मतलब होता है काफ़ी हाई पावर होता है कोबरा पॉइजन को मारने के लिए। क्योंकि देखिए, आपने कभी सांप और नेवले की लड़ाई देखी होगी मंगूज और स्नैक की, तो मंगूज जो सांप है ना, वो मंगूज के दुश्मन कह लीजिए होती, दोनों आपस में दुश्मन होते हैं, और जो सांप है वो मंगूज से डरता भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पीड, मतलब ये बहुत तेज़ होते हैं, काफ़ी एलिगिटी, मतलब काफ़ी जैसे नहीं होता बहुत, जिसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, ठीक है, उस टाइप के होते हैं, फुर्तीले होते हैं, और ये आराम से आसानी से स्नैक्स को मार देते हैं। कौन? मंगूज मार देता है। इनके अंदर सांप से लड़ने के लिए काफ़ी क्षमताएं होती हैं, ठीक है। इट वुड डेथ ऑफ कोबरा एज ए स्पेसिस इफ दे डिड नॉट इन्वॉल्व अ मोर डेडली पॉइजन टू स्टॉप मंगूज। हाँ, मंगूज में इतनी पावर होती है कि वो सांप को मार सकते हैं, उसके लिए सांप को मंगूज से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडली पॉइजन, मतलब कि बहुत ज़्यादा जहरीला जहर अपने आप में प्रोड्यूस करना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, हम आगे देखते हैं, दो पॉइंट और बचा हुआ है कि जो पॉइजन का एक इनका इम्पोर्टेंट रोल और होता है कि वो जो खाने को क्या बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं मीट को। जैसे कहने का मतलब है कि जब स्नैक किसी को, किसी मान लीजिए जंतु किसी प्रे को खाने के लिए जा रहा है, कोई पार्ट उसका इंटरनल पार्ट्स उस जंतु का बहुत ही हार्ड है और स्नैक उसको नहीं खा पा रहा है, तो स्नैक उस पर अपना पॉइजन गिराता है। तो पॉइजन गिराने से क्या होता है कि जो इनसाइड का उसका होता है, उस प्रे के इनसाइड का जो पार्ट्स होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, मतलब गलने लगता है या सॉफ्टर हो जाता है, ताकि वो खाने योग्य हो जाए। और जैसे जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंग के व्यक्ति चलते हैं, वो सन की गर्मी पर डिपेंड करते हैं, मतलब कहने का है कि जो सन वार्म होती है, सनलाइट जो होती है, सन वार्म जो होती है, उसकी रेस पर डिपेंड करते हैं। किस लिए? टू एड डाइजेशन, डाइजेशन के लिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई कोई जंतु मरा पड़ा है, ठीक है, और सांप को उसको खाना, या किसी भी को भी, तो अब सांप के पास तो ये योग्यता होती है कि वो उस पर पॉइजन डाल दे, तो वो उसका जो इंटरनल का पार्ट जो हार्ड होता है वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसको खा लेगा। लेकिन सभी के पास
पास तो ये नहीं होता है ना, तो कुछ क्या करते, किसका यूज़ करते, सन रे, सन की गर्मी की वजह से वो सॉफ्ट होने लगता है, मुलायम हो जाता है, सड़ने लगता है, तब उसको खाते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में यहाँ बता रहा है सांप अपने बारे में बताता है कि और कभी कभी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती हैं, जो इंडिया के जो रिमोट्स पार्ट्स हैं वहाँ के जो रहने वाले हमारे जो मालिक हैं, सांप के बारे में बता रहा है, जो लोग सांप पालते हैं वो काफ़ी इनको टफ़ देते हैं मीट खाने के लिए। ठीक है, और ये उसको खींच खींच के तब तक खाते रहते हैं जब तक इनके जॉ में, जबड़ों में दर्द नहीं होने लगता है। ठीक है, और अगर ये इसको खाना छोड़, मतलब ये रिफ्यूज़ कर दें इसको खाने के लिए, तो इनके मालिक, इनके होस्ट के जो होते हैं वो काफ़ी अपमानित फील करते, ऑफेंडेड मतलब अपमानित फील करते हैं। आई स्वेलो लाइक अ पाइथन सफिंग अ डियर, मतलब ये बताता है कि कभी कभी मुझे अपने मालिक के डर से, सांप के बारे में बताया जा रहा है, जो मालिक के डर से हमें वैसे ही चबाना पड़ता है, निगलना पड़ता है अपने प्रे को, जैसे कि एक पाइथन डियर को वैसे ही गले तक लेके जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ लिखा है एंड होप आई डोंट चोक, चोक मतलब मुझे, मतलब मुझे उनको खाना चबाने के लिए या जो मेरे प्रे रहते हैं उनके अगेंस्ट मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि वो हमें भी नुकसान पहुँचाएँ। ठीक है, इव ओनली आई हैड पॉइजन। ठीक है, कह रहा है कि अगर हमें, जिससे कि बता रहा है कि जब हम अपने प्रे को निगलते हैं तो हमारे गले में हमारे पास इतनी पॉइजन होती है कि हम अपने प्रे को उस समय भी मार सकते हैं और अपने पॉइजन से उन मीट को सॉफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि इसमें सिर्फ एक स्नैक के बारे में बताया गया कि कैसे स्नैक खाता है, क्या करता है, क्या नहीं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 30 to 40 वर्ड्स में आंसर देने हैं। रसल्स वाइपर एंड रेड स्नैक हैव डिफरेंट मेथड टू अटैक प्रे, हाउ, किस तरीके से इनके डिफरेंट मेथड होते हैं अटैक करने के लिए। हाउ डज सैंड बोआ किल इट्स प्रे, सैंड बोआ के बारे में मैंने बताया था, ये कैसे किल्स को, अपने प्रे को किल करते हैं। देयर इज अ कॉन्स्टेंट टसल बिटवीन द हंटिंग एनिमल एंड इट्स प्रे, वाई, वॉट मेक्स मंगूज अ स्नैक प्रेडेटर, तो स्नैक मंगूज जो है, मंगूज ऐसा मतलब कि स्नैक के बाद ऐसा क्या होता है कि मंगूज को अपना प्रीडेटर बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ फिर देखिए क्वेश्चन देखिए, इसका अभी हम आंसर भी आपको बताते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ रीडिंग ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग, अब इसका सिनोनिम्स पूछ रहे हैं एग का। एग का सिनोनिम्स होता है पेन, दर्द। तो सिनोनिम्स ऑफ पॉइजनस इन पैराग्राफ टू, सिनोनिम्स पॉइजनस का पूछा जो कि पैराग्राफ टू में दिया हुआ है। द एंटोनॉमी ऑफ पॉइजन पैराग्राफ टू में दिया हुआ है, एंटोनॉमी का क्या होगा। ठीक है, एंटोनॉमी मतलब होता है अपोजिट क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है एंटोनॉमी ऑफ टफ इन पैराग्राफ एट, पैराग्राफ एट में टफ का एंटोनॉमी मतलब विलोम दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं आंसर इसका। तो जो भी आंसर पूछा हुआ क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि वेयर रसल्स वाइपर इंजेक्ट इट्स पॉइजन इनटू द बॉडी ऑफ इट्स प्रे, क्या करते हैं जो अपने शिकार पक्षी जंतु होते हैं उनके शरीर में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं जहर को। द रेड स्नैक कैच एंड पुशेस इट्स प्रे अगेंस्ट द ग्राउंड टू किल, जो रेड स्नैक होते हैं, रेड स्नैक जो बिल में रहने वाले जो स्नैक होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं, कैच करते हैं अपने प्रे को और उनको ग्राउंड पे पटकते हैं किल करने के लिए। ठीक है, ऐसे सैंड बोआ के बारे में यहाँ बताया गया है, और यहाँ पे वाइल द हंटिंग स्ट्रेटजी वाज टू किल मोस्ट एफिशिएंटली द प्रे यूज एवरी मंगूज इज कॉल्ड अ स्नैक प्रेडेटर बिकॉज मंगूज आर रेजिस्टेंट टू कोबरा पॉइजन। इस तरीके से मंजिए के सारे आंसर यहाँ बताए गए हैं। मैंने बताया था उसका सिनोनिम्स क्या होगा, एग का पेन होगा, विनोमस होगा, एलिक्सिर और सॉफ्ट, सॉफ्ट किसका होता है, वहाँ पे टफ का दिया हुआ था ना। तो इस तरीके से देखा कि हम लोगों ने ये पैसेज पढ़ लिया है, आप इस पैसेज को पढ़िए, रिवाइज करिए, और नहीं समझ में आता है तो पूछिए। ओके, थैंक यू।